आज का टॉपिक है हमारा यूज़र डिफाइंड मेथड्स। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आएगा कि मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स को आप आसान भाषा में कहें तो फंक्शंस होते हैं। जैसे कि डेली लाइफ में बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि कोई बॉय लेते हैं, हमने ये कंसेप्ट ऊप्स में भी पढ़ा है। अगर नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हो जाकर, वहाँ पर हमारे चैनल पर पड़ी है। तो जैसे कि बॉय के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, बॉय के फंक्शन रनिंग हो सकता है ना, और क्या हो सकता है वॉकिंग, और क्या हो सकता है बॉय के फंक्शन रनिंग वॉकिंग, और क्या ईटिंग स्लीपिंग प्लेइंग, ये सब फंक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं फंक्शन को हम जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदल दे तो उनको हम मेथड्स कहते हैं। इनके भी यहाँ पर ये दूसरे नाम दिए गए हैं जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कहे जाते हैं, वो फंक्शंस कहे जाते हैं मेथड्स, सब रूटीन्स या सब प्रोग्राम्स। अब जब जरूरत हमको कैसे पड़ी इनकी, जैसे कि आपने एक मेथड पढ़ा होगा math.pow, ठीक है, ये जो मेथड है अगर नहीं पढ़ा तो आगे आ जाएगा। ये क्या करता है, आपकी पावर निकालता है, जैसे कि आपको 2 की पावर 5 निकालनी है तो आप क्या करिए इसके अंदर 2.5 लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या देगा, 2 की पावर 5 की वैल्यू दे देगा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर int x इक्वल टू math.pow 2.5। ये क्या करेगा, 2 की पावर 5 की वैल्यू x के अंदर डाल देगा। ये क्या है, ये एक मेथड है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल देव मेथड का तो आपका मेन मेथड है ना, आप लिखते हो ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो जो ये मेन है ये एक मेथड है। और नाम क्या है इस मेथड का, मेन है। और ये यहाँ पर जो ये पैरेंथेसिस लगे हैं ये बताते हैं कि ये मेथड है। अगर किसी भी वर्ड के आगे ये लगा हो ना, किसी भी आइडेंटिफायर के आगे ये लगा हो, तो मतलब समझ जाना कि वो एक मेथड है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये एक मेथड है। तो हुआ क्या कि हमारे पास जो जावा के डेवलपर्स थे उन्होंने कुछ मेथड्स खुद बना कर दिए, जैसे कि POW, ये मेथड जो है जावा के डेवलपर्स ने बना के दिए, जिससे कि हम आसानी से 2 की पावर 5 निकाल सके। फिर उन्होंने कुछ और मेथड है जैसे कि SQRT, math.sqrt फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट निकाल सकता है, CBRT, बहुत सारे फंक्शन है जो जावा की लाइब्रेरी में उन्होंने डाल के रखे हैं। लेकिन हमारी जो सेटिस्फैक्शन है इनसे पूरा नहीं हुआ, हमने कोशिश करी कि हम अब जब खुद के मेथड्स बनाएंगे। जैसे कि जावा की लाइब्रेरी में कोई भी मेथड नहीं है जो 2 या 5 नंबर का सम करा के दे, जैसे कि यहाँ पर पावर निकाल सकते हैं 2 की पावर 5, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आपने ऐड के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और वो इनका सम करके आपको दे दे, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जावा लाइब्रेरी में। लेकिन हाँ, हम ऐसा मेथड जो है खुद बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा मेथड हम खुद बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, इसी चैप्टर में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सिस्टम डिफाइंड मेथड्स, इनका दूसरा नाम होता है बिल्ट इन मेथड। क्या होता है, बिल्ट इन मेथड्स, सिस्टम डिफाइंड या बिल्ट इन। सिस्टम डिफाइंड यानी कि जो सिस्टम के अंदर डिफाइंड हो, जावा के डेवलपर द्वारा डिफाइन करे गए हो। और यूज़र डिफाइंड यानी कि जो यूज़र यानी कि हम डिफाइन करेंगे उनको हम यूज़र डिफाइंड मेथड कहते हैं, ठीक है। तो उसको रब कर देता हूँ। और अब जब सीखते हैं कि मेथड्स को कैसे बनाया जाता है। अब जब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि आपकी बुक में दिया होगा एडवांटेजेस या नीड ऑफ मेथड्स, लेकिन उसको हम जो है मेथड्स के एंड में कवर करेंगे, क्यों, आपके समझ में ज़्यादातर तभी आएगा। अभी तो आप उसको रट लोगे कि हाँ भाई कोड रियूजेबिलिटी होती है, ये प्रोग्राम को हिस्सों में तोड़ते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के साथ उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको कोई एक्सिस स्पेसिफायर लिखना होगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पर, पब्लिक इंट ऐड, ठीक है, ये मेरा एक मेथड है और यहाँ पर इसकी बॉडी है, ये मैंने मेथड बना दिया है। आप अभी ये टेंशन मत लीजिए कि बनाया कैसे, अभी हम समझते हैं बनाया कैसे सिंटैक्स के थ्रू। आपको सबसे पहले लिखना होगा एक्सिस मॉडिफायर, तो ये हमारा यहाँ पर एक एक्सिस मॉडिफायर है जो हमने लिख दिया है, इसको हम एक्सिस स्पेसिफायर भी कहते हैं। अब जब एक्सिस का मतलब से आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि एक्सिस मॉडिफायर होता क्या है, ये बताते हैं कि जो हमारा मेथड है, यहाँ पर हमारा मेथड कौन सा है, ऐड मेथड है, यानी कि इसको जो है दूसरे मेंबर्स कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं,
एक्सिस मतलब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, पब्लिक का मतलब क्या होगा कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या करते हैं और भी इससे प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये तीन आप एक्सिस स्पेसिफायर को फिलहाल याद रखिए। और भी होते हैं जैसे कि सिंक्रोनाइज्ड, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे ना ही आपके सिलेबस में है। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये बताते हैं कि किस तरह से वे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि आपने एक क्लास के अंदर ऐड मेथड डाला तो दूसरी क्लास से भी हम इस ऐड मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपने प्रोटेक्टेड यहाँ पर पब्लिक की जगह लिख दिया तो आप क्या कर सकते हो, इस ऐड मेथड को कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं और से यूज़ नहीं कर सकते, ये हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम इस मेथड को पब्लिक लगाएंगे तो कोई भी यूज़ कर सकता है कहीं से भी, है ना, और कोई भी यूज़ कर सकता है तो वो इसके अंदर का कोड भी हमारा चेंज कर सकता है, जो इसके अंदर कोड लिखा है जब इसको एक्सेस करवा रहा है तो वो कोड चेंज करके हमारे प्रोग्राम को ख़राब भी कर सकता है, इसलिए हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब जो एक्सेस मॉडिफायर आ गया आपके समझ में क्या होता है, ये बताता है कि किस टाइप का एक्सेस होने वाला है। फिर लिखते हैं हम टाइप, टाइप यानी कि डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप, डेटा टाइप यानी कि आपका मेथड किस टाइप की वैल्यू देगा। हम चाहते हैं कि हमारा मेथड इंट की वैल्यू दे, तो हमने अपने मेथड को इंट डेटा टाइप दे दिया। फिर हम लिखेंगे मेथड का नाम, मेथड का नाम आप कुछ भी लिखिए, आइडेंटिफायर्स का जो रूल आपने पढ़ा है पहले उन रूल को फॉलो करते हुए आप कुछ भी लिखिए, और ज़्यादातर कन्वेंशन यूज़ करिए कि आप स्मॉल से यूज़ करिए। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको पक्का नहीं कि ये यूज़ करना ही है, कोई एरर नहीं आने वाला। अगर मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर ए डबल डी, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको छोटे ऐसे यूज़ करूँगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और जावा के कन्वेंशंस में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको स्मॉल से ज़्यादातर शुरुआत करना, जब आप कोडिंग करोगे तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर भी कहलाओगे, ठीक है। तो आपने मेथड का नाम दे दिया, अब जा पैरामीटर लिस्ट। अब जा आपके मन में फिर से सवाल उठा होगा कि पैरामीटर लिस्ट क्या होता है, फिर से मैं आपको एक सिस्टम डिफाइंड मेथड से समझाता हूँ, जैसे कि मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ठीक है, ये आपका एक सिस्टम डिफाइंड मेथड है। इसके अंदर आपने दी 25 की वैल्यू, तो ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकालेगा 25 का, यानी कि अगर मैं इसको x के अंदर स्टोर करा दूँ इंट x, तो ये x के अंदर आपकी वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना। लेकिन इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको लेना है इस 25 से। ये जो 25 है ये यहाँ पर पैरामीटर है, क्या है, ये हमारा पैरामीटर है ना, पैरामीटर है, इसको ही हम पैरामीटर कहते हैं। लेकिन अगर इसमें देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक, इसको रफ कर देते हैं और एक नया मेथड बनाते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर को समझेंगे। पैरामीटर क्या होते हैं, जो इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। पैरामीटर लिस्ट का फंक्शन क्या होता है, ये वैल्यू डालते हैं हमारे मेथड्स के अंदर। जैसे कि अगर नहीं समझ में आए तो अब जा जाएगा, जैसे कि मुझे किसी भी 5 नंबर का सम करना है, पब्लिक इंट एड 5 नहीं 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे अभी बताएंगे। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब जब ये कहेगा कि भैया मुझको ए और बी और सी की वैल्यू तो दो, इसको हम इसके अंदर डालने के लिए ए बी और सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इंट ए कोमा इंट बी कोमा इंट सी, ठीक है। और ये गलती मत करना कि आप यहाँ पर लिख दे इंट ए कोमा बी कोमा सी, इस तरह से आप नहीं लिख सकते, आपको हर वेरिएबल का अलग अलग डेटा टाइप मेंशन करना ही होगा। तो पैरामीटर का क्या फंक्शन होता है, वैल्यू अंदर डालने के लिए मेथड्स के, ये फंक्शन होता है, और इसके बारे में और आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक मेथड बना सकते हैं हम यहाँ पर, और ज़रूरी नहीं आप वहाँ पर पैरामीटर में ही दें, जैसे कि हम एक और मेथड इस तरह से बना सकते हैं पब्लिक इंट ऐड, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंट ए इक्वल टू 5 कोमा बी इक्वल टू 6 और फिर इंट एस इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से ये क्या करेगा, ए और बी का सम कर देगा। लेकिन अगर हम वैल्यू कहीं बाहर से लेना चाहते हैं तो बाहर से इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए हम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब जब एक मेथड लिख लेते हैं यहाँ पर, मेथड का नाम पब्लिक इंट ऐड, ठीक है,
और ये हमने लिख लिया। और हाँ, एक और बात, ये पब्लिक आपके लिए जो मैंने पहले वहाँ पर लिखा था ऐसे, इसके अंदर लिखा था ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक्सिस मॉडिफायर, इसका मतलब था कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी, आप इसको पब्लिक को यहाँ पर लिखना चाहते हो या नहीं। अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हो, इसका मतलब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट समझा जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक तरह का पब्लिक की तरह ही वो भी काम करता है, डिफ़ॉल्ट भी एक एक्सिस मॉडिफायर होता है, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर्स भी जो है ऑप्शनल है, आपने देख ही लिया। अब जब मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं दिए, जब आपको ज़रूरत होगी तब पैरामीटर्स देना, अगर ज़रूरत नहीं है तो मत देना। अब जब आपको बता देता हूँ मैं कि जो ये पूरी लाइन है यहाँ पर, तो फिर इसके अंदर तो आप अपना कोड लिखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी लिखा था सम का कोड लिखा था, तो इसके अंदर तो आप कोड लिखते हैं, अपनी बॉडी होती है आपकी मेथड की। और ये पैरेंथेसिस लगाना मत भूलना, ठीक है, ये पैरेंथेसिस लगाना मत भूलना। तो अब जा क्या होगा, जैसे कि इंट ऐड, तो जो ये पूरी पहली लाइन है आपके मेथड की, यानी कि जिस जो आपका सिंटैक्स है मेथड का, जहाँ पर आपने मेथड को डिक्लेयर करा, इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इस पूरी लाइन को हम कहते हैं मेथड प्रोटोटाइप। क्या कहते हैं, मेथड प्रोटोटाइप, या मेथड डेफिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और अब जो मेथड का नाम है और पैरामीटर्स, उस पूरे को हम कहते हैं भैया जी मेथड सिग्नेचर। क्या कहते हैं, मेथड सिग्नेचर। क्या होता है मेथड सिग्नेचर, मेथड का नाम और पैरामीटर। अगर इसके अंदर कुछ इंट ए कोमा इंट भी होता तो उसको भी हम मेथड सिग्नेचर ही कहते। तो अब जा ये भी हमारा हो चुका है कंसेप्ट। अब जा जैसे कि आपने कोई मेथड बना दिया, अब जा उसको यूज़ कैसे करोगे, उसको यूज़ करना हम सीख लेते हैं। सपोज़ करिए हम कोई यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, क्लास या फिर चलिए इसको, चलो बना लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, पहले यहीं पर ही बना लेते हैं। तो क्लास कोई भी हमने एक मेथड के नाम से क्लास बनाई, ठीक है। और हाँ, अब जब आप सीधा लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ऐसा नहीं करना। आप मेथड, मेन मेथड बताया था ना मैंने, मेन एक मेथड है, तो एक मेथड के अंदर मेथड थोड़ा डालोगे आप, डाल सकते हैं, लेकिन वो आगे का कंसेप्ट है, एडवांस जावा में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक मेथड बनाते हैं, चलो पब्लिक इंट, और अभी आपके माइंड में स्टैटिक वर्ड भी ये घूम रहा होगा। इसी चैप्टर में हम स्टैटिक मेथड्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, इसके बारे में आप वरी मत करिए। तो पब्लिक इंट ऐड मेथड बनाता हूँ मैं यहाँ पर एक, और इसके अंदर पैरामीटर्स देता हूँ इंट ए, चलो कोमा बी, इंट बी, ठीक है, ये मैंने दे दी। और फिर यहाँ पर दे दिया मैंने इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब जब यहाँ पर मैं एक void मेन मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void मेन, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड बना चुका हूँ मैं यहाँ पर। अब जब हमको क्या करना है, सम इस ऐड मेथड को यूज़ करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मुझे सम की वैल्यू डालनी है। अब जब आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेथड बन चुका है जो कि दो वैल्यू लेगा, समझ आ रहा होगा आपको कुछ, जैसे कि मैथ डॉट एस क्यू आर टी था हमारा, वो कितनी वैल्यू लेता था, सिर्फ एक वैल्यू लेता था, है ना, एक वैल्यू डालते थे आप उसका स्क्वायर रूट निकल जाता था, लेकिन ये यहाँ पर दो वैल्यू लेगा, यानी कि इसको यूज़ करने के लिए आपको ऐड लिखना होगा और इसके अंदर आपको दो वैल्यू देनी होगी। ये ध्यान रखना, अगर इंट की है तो यहाँ पर आपको इंट की ही देनी होगी, जैसे कि 5 दे दिया, आप ऐसे नहीं दे सकते यहाँ पर 5.5, ऐसा मत देना यहाँ पर, क्योंकि आपने इंट का स्पेसिफाई किया है, तो 5 लेना, कोमा एक मैं 7 दे देता हूँ, तो एक्स के अंदर 5 और 7 का सम यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और अब जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर इसको एक्स को प्रिंट करा सकते हो, तो इस तरह से हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि 5.7 कैसे लिखा मैंने, जैसे यहाँ पर हम एक वैल्यू पास कर रहे थे, यहाँ पर दो कर रहे हैं। अगर और भी आप वैल्यू पास कराना चाहते हो तो यहाँ पर इंट सी लिख सकते हो, ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो। अब जा कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, अगर आपने यहाँ पर लिख दिया एड 5,
ठीक है, यहाँ पर कितनी इसको वैल्यू चाहिए, दो चाहिए, आपने कितनी दी, एक दी ना, तो ये आपके लिए गलत होगा। जितनी वैल्यू यहाँ पर आपने दी है इतनी ही आपको यहाँ पर भी देनी है, और इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यानी कि आपने लिखा इंट ए कोमा, अगर सपोज करिए हम यहाँ पर फ्लोट बी लिखते हैं, कोमा फ्लोट बी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर 5.5f इस तरह से आपको यहाँ पर देना होगा, यानी कि फ्लोट की वैल्यू भी आपको देनी होगी, ठीक है। इंट बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो ये हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक थी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक और कंसेप्ट यहीं पर ही कवर कर लेते हैं इसी के साथ, कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो जो आपने ये मेथड जहाँ पर डिक्लेयर करा, इसके अंदर जो पैरामीटर्स है, कितने पैरामीटर है, एक और एक दो, इन दोनों पैरामीटर्स को हम क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर्स कहेंगे। फॉर्मल पैरामीटर्स, इनका दूसरा नाम है डमी पैरामीटर्स। लेकिन आपने, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये 25 है, ये भी तो एक पैरामीटर बताया था मैंने आपको, लेकिन इसको हम खाली पैरामीटर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम एक्चुअल पैरामीटर। जैसे कि यहाँ पर मैंने 5.7 लिखा, तो जब आप मेथड को कॉल कर रहे हो और उसके अंदर जो पैरामीटर दिया हुआ है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और जब हम मेथड बनाते हैं और उसके अंदर पैरामीटर्स लिखते हैं तो उसको हम फॉर्मल या डमी पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब आपने मेथड को बुलाना भी सीख लिया, जैसे कि आपने कोई मेथड बनाया तो उसको कैसे बुलाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आपने यहाँ पर ऐड लिखा और ये लिख दिया, इसको हम कहते हैं इन्वोकिंग अ मेथड, मतलब इन्वोक करना, उसको चालू करना एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जैसे ये ऐड देखेगा यहाँ पर, तो इसका जैसे कि सपोज करिए क्लास मेथड, ठीक है, और हमेशा एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, मेन से, यानी कि एग्जीक्यूशन मतलब आपको पता होगा जहाँ से कोड रीड करना शुरू करता है, उसने पढ़ी कि ठीक है क्लास है। अब जहाँ जावा का कंपाइलर सीधा यहाँ ये नहीं पढ़ेगा, पहले ये पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेन मेथड है। तो जैसे ही जाएगा वो नीचे को जाएगा, वो देखेगा कि x की वैल्यू मुझको ऐड, अब जब यहाँ पर उसको ऐड मेथड दिखा तो वो ऐड मेथड से सीधा यहाँ पर चला जाएगा, है ना, ऐड दिखा तो ऐड। अब जब इंट ए कोमा भी, वो देखेगा कि 5.7 वैल्यू दिया और सम इक्वल टू 5+7, यानी कि x के अंदर ये वैल्यू डाल दिया और ये नीचे चले जाएगा। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर वैल्यू 7+5 12 नहीं आने वाली। एक और स्टेटमेंट आपको हमको यहाँ पर लिखना होगा, रिटर्न सम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न सम लिखते हैं तब ये आंसर आपका x के अंदर आने वाला है। अब जब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे होता है ना, पूछेंगे ना, तो जैसे ही इन्वोक करना किसी मेथड को इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है उस मेथड से वैल्यू को लेना, है ना, उस मेथड से वैल्यू को लेना। जैसे कि आप किसी दुकान पर गए और आपने कहा कि भाई मुझको 10 रुपये का बिस्किट चाहिए, है ना, तो आपने उसको सिर्फ क्या कहा, अभी बिस्किट चाहिए, ये क्या, आपने अभी उससे लिया नहीं ना, तो जितना आपको बताना है उसको उतना लेना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह रिटर्न का भी सेम ही फंक्शन है, रिटर्न लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेथड के अंदर। इसकी सम की वैल्यू अगर आपको एक्स के अंदर डालनी है तो रिटर्न तो हमको मेथड से लेना पड़ेगा। अब जब रिटर्न लेने के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करिए, या फिर आप system.out.println का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब देखते हैं कैसे होगा यहाँ पर, जैसे ही ये यहाँ पर गया int sum equal to a plus b, और ये क्या करेगा, return sum, यानी कि ये समझेगा कि जो sum की वैल्यू है मुझको इसको रिटर्न करानी है, यानी कि add 5.7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास अब जब 12 वैल्यू तो आ गई, लेकिन इस 12 वैल्यू को हमको कहीं पर स्टोर भी तो करना होगा, इसीलिए हमने 12 वैल्यू को x के अंदर डाल दिया। या फिर अगर आप system.out.println लिखकर उसके अंदर ऐड 5.7 लिखते तो भी आपका आंसर 12 आता, लेकिन अगर आपने x के अंदर स्टोर कराया तो आपको ऐड 5.7 की जगह x लिख सकते हो यहाँ पर। और प्रैक्टिकली चलिए हम इसको देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का समझ आ गया है, जो रिटर्न करेगा। अब जब जो ये सम है ना, सम, इसका डेटा टाइप बताइए आप क्या है, इसका डेटा टाइप इंट है, और यहाँ पर भी देखिए इंट है,
तो आपको हमेशा याद रखना है जो मेथड का डेटा टाइप है और जो रिटर्न का डेटा टाइप है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इंट की जगह फ्लोट ले लूँगा तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, जो रिटर्न स्टेटमेंट के आगे हमारा वेरिएबल है इसका फ्लोट और इसका इंट, तो ये आपका गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। और अब जब आपको void कीवर्ड भी आपने पढ़ा होगा कि void कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, अगर मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब जब आपके समझ में आने लगा होगा कि मेथड रिटर्न नहीं करता इसका मतलब क्या है, तो void कीवर्ड हम तब यूज़ करते हैं अगर रिटर्न नहीं करता। अगर यहाँ पर कोई डेटा टाइप है तो रिटर्न स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप इस रिटर्न स्टेटमेंट को छोड़ देंगे और यहाँ पर कोई डेटा टाइप है int float double तो रिटर्न स्टेटमेंट है नहीं तो आपको एरर आने वाला है। अगर आप यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डालना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर void लिखना होगा। void का मतलब होता है कि आपके मेथड को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, ठीक है। अब जब रिटर्न एक तरह से और आप यूज़ कर सकते हैं मेथड को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। कैसे? मेथड को टर्मिनेट करने के लिए, वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं मेथड को टर्मिनेट करने के लिए। और हाँ, आप void के अंदर भी रिटर्न को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस लिए? सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेट करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक void और एड से ही बना लेते हैं int a कोमा int b, ठीक है, हमने ये दिया। तो अब जब हम क्या करते हैं int h इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, और एक लिख देते हैं फिर int, फिर यहाँ पर नीचे लिख देते हैं h इक्वल टू a माइनस b। इसका मतलब क्या होगा कि सपोज करिए a की वैल्यू 5, s की वैल्यू 7, s के अंदर पहले वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस 7, s के अंदर वैल्यू आ चुकी है 12, फिर s की वैल्यू हो जानी है a माइनस b यानी कि माइनस 2। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमने ये स्टेटमेंट लिख तो दिया लेकिन हम इसको चलाना नहीं चाहते, तो हम क्या यहाँ पर अगर बीच में रिटर्न लिख देना, अगर बीच में हम यहाँ पर रिटर्न लिख दे तो क्या होगा? रिटर्न लिखते ही क्या होगा, ये स्टेटमेंट जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा फिर रिटर्न को देखते ही वापस वहीं पर ही चला जाएगा मेन मेथड में, यानी कि रिटर्न एज अ मेथड टर्मिनेटर काम करता है, ये मेथड को रोक देता है। जहाँ पर भी कहीं पर भी मेथड में रिटर्न मिलेगा वहीं से ही ये मेथड, ये समझ लीजिए, ख़त्म हो जाएगा। उससे रिटर्न के नीचे जो भी कुछ लिखा है वो कोई यूज़ का नहीं है, वो चलने ही नहीं वाला है, ठीक है, वो चलेगा नहीं जो रिटर्न के नीचे लिखा है। जैसे कि अगर यहाँ पर void की जगह हम int भी ले लेते हैं सपोज करिए, और मैं यहाँ पर रिटर्न s कर देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ रिटर्न s, तो भी यहाँ पर ही रुक जाएगा ये मेथड, इससे नीचे नहीं बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट नहीं चलने वाला है, ठीक है। और एक और बात समझ लेते हैं, अगर हमारे बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो तो देखते हैं, जैसे कि मैंने लिया int s इक्वल टू a प्लस b और int s2 इक्वल टू a माइनस b, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिटर्न s और फिर नीचे लिख देता हूँ रिटर्न s2, ठीक है, इसको मैं थोड़े से नीचे लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, ये s की वैल्यू 12 डाल देगा, s2 की वैल्यू माइनस 2 डाल देगा, फिर यहाँ पर है रिटर्न s, तो जैसे ही रिटर्न s मिलेगा इसको रिटर्न s2 नहीं चलने वाला है, ये मेथड यहीं से ही घूमकर वैल्यू उसको देकर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि रिटर्न मेथड को टर्मिनेट कर देता है। और कितने भी रिटर्न स्टेटमेंट हो एक मेथड के अंदर, चलेगा तो चलेगा सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। तो अब जब आपको मेथड से वैल्यू को रिटर्न कराना भी आ गया है तो इसी के लिए, इसी बात पे हम एक प्रोग्राम करेंगे। अब जो यहाँ पर प्रोग्राम क्या करेगी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला जो आपके बुक में भी दिया होगा वो प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एरर बता देता हूँ, जो आपको अगर आप जो मैंने मेन मेथड से आपको प्रोग्राम यहाँ पर बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर कर दिखाया था उसमें एक एरर आने वाली है। और वो एरर क्यों आएगी, क्योंकि आपने एक स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक मेथड का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं और अपना बेसिक मेथड का प्रोग्रामिंग भी कर देख लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो मैं एक क्लास बना रहा हूँ मेथड टू के नाम से, क्योंकि मेथड के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी क्लास है, तो मैं मेथड टू के नाम से यहाँ पर क्लास बनाऊँगा। तो ये मैंने बना लिया और इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है।
और अब जब कंट्रोल प्लस ए दबाकर जो है मैं पूरा अपने विंडो को क्लियर कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस ए और फिर बैक स्पेस दबा दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक क्लास लिखता हूँ, मेथड टू के नाम से मेरी क्लास है। फिर यहाँ पर मैं चलिए एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड। वॉइड क्या, वॉइड नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मेथड है वो इंट की वैल्यू रिटर्न करे। और मैं चलो इस बार हम जो है मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मल्टीप्लाई मेथड बना लेते हैं और इसके अंदर ले लेते हैं वैल्यू इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, तो इसके अंदर अब जब हम एक ले लेते हैं इंट एम इक्वल टू ए, और अब जब हमको इसकी मल्टीप्लाई दूसरे बी के साथ करवानी है, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एम। ठीक है, अब जब मैंने आपको बताया था कि आपको मेन मेथड बनाना है यहाँ पर पब्लिक स्टेटिक, यही तो आपने पढ़ा है, ये कोड आपने रट चुके हो कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। लेकिन इसको समझ लेते हैं एक बार, पब्लिक के बारे में आपको पता चल चुका है कि ये पब्लिक एक्सिस है, स्टैटिक के बारे में आप अभी मत जानिए क्योंकि ये आगे का कंसेप्ट है। वर्ड की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और जो मेन है वो हमारा मेथड का नाम है, और इसके अंदर आप स्ट्रिंग आर्क्स भी लिखते हैं, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। और स्ट्रिंग आर्क्स एक एरे का टॉपिक है जो हम आगे बात करेंगे एरे के चैप्टर में। तो अब जब मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी वेरिएबल में इसको स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि इंट वाई बना लिया मैंने, और उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई मेथड का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और अब जब मैं दो वैल्यू पास कराता हूँ 45.2। ठीक है, और अब जा इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर वैल्यू देता हूँ वाई। ठीक है, अब जब आपको यहाँ पर एक एरर मिलने वाली है, जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो ये देखिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड मल्टीप्लाई कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मैं दो वे बताऊंगा जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको सिर्फ वे बताने वाला हूँ, अभी कंसेप्ट नहीं समझाने वाला, क्योंकि आप कंसेप्ट को आगे समझेंगे। या तो आप यहाँ से इस स्टैटिक को हटा दीजिए, कंट्रोल प्लस के दबाइए, कंपाइल हो गया। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हमारा कोड रन कर रहा है कि नहीं। ओ सॉरी सॉरी, इसके लिए आपको एक मेथड न्यू पर दबाना होगा वहां पर, और फिर यहां पर ये आपको मिलेगा, और इस पर int मल्टीप्लाई a कोमा b, और यहां पर आपको 45 या कुछ भी दे सकते हैं आप, यहां पर वैल्यू 4, ये मैंने वैल्यू दे दी। तो इसमें आप देख रहे हैं हमने वहाँ पर दो वैल्यू 45 और 2 दी थी, लेकिन उसका आउटपुट नहीं आया, बल्कि ये हमसे खुद आउटपुट मांग रहा है, क्योंकि हमने मेन मेथड नहीं चला पाए हैं। हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई मेथड को यूज़ किया है। किस मेथड को, मल्टीप्लाई मेथड को, और ये दो वैल्यू मांग रहा है, और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके ये हमको यहाँ पर मेथड रिजल्ट में दे देने वाला है। देख लेते हैं एक बार फिर से, मैं ये रहा 2970 हमारा जो है आंसर आ चुका है। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे हमको मेन मेथड यूज नहीं कर पाए, जो मेथड टू था, कहाँ पर है हमारा मेथड टू क्लास, ये रही। तो हम इससे मेन मेथड, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया, इससे आप मेन मेथड को यूज नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप मेन मेथड से डायरेक्ट आंसर चाहते हैं, यानी कि 45 और 2 को यूज करके, तो आप यहाँ पर भी स्टैटिक ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, कंपाइल हो जाएगी क्लास, इससे इस बार मेन मेथड चलेगा। देखते हैं, वर्ड मेन आपको मेथड मिल गया और 90 आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा एरर जो आपकी क्लास में आने वाला है। अब जब हम आगे किस टॉपिक पर बात करने वाले थे, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर ही साथ ही। तो मैंने कहा था अगर जो मैं यहाँ पर इंट की जगह वॉइड का यूज़ करूँ, यानी कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो और मैंने कहा था अगर वॉइड यूज़ करेंगे तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करना है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ चुका है, इनकॉम्पिटेबल टाइप एन एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू। तो आपको रिटर्न का यूज़ नहीं, आपको रिटर्न वैल्यू का यूज़ नहीं करना है वॉइड मेथड में, नहीं तो ये आपको आंसर दे देगा। लेकिन साथ ही मैंने बताया था रिटर्न को आप ऐसा मेथड टर्मिनेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर रिटर्न ही लिख देता हूँ खाली, तो आप देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। कंपाइल करता हूँ, एक जगह एरर आ रही है, आप सोच रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ये वॉइड का बना दिया है और इसको इंट का रिटर्न टाइप चाहिए, तो वॉइड को इंट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं यहाँ पर अगर इंट करता हूँ तो अब जा इसमें कोई एरर नहीं आने वाला है। लेकिन चूंकि हमने जो रिटर्न है रिटर्न वैल्यू नहीं दी है, तो रिटर्न ए हम रिटर्न एम दे देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर
कोई डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर इंट फ्लोट डेटा टाइप कोई भी है वॉइड को छोड़कर, तो हमको कोई वैल्यू देनी होगी, बिना रिटर्न स्टेटमेंट के काम नहीं चलेगा। अगर जो मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट को, तो आप देखिए यहाँ पर अब एरर आएगा, ये कहेगा कि कोई रिटर्न वैल्यू ही नहीं दी आपने, तो रिटर्न वैल्यू तो चाहिएगी ना यार। तो ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर इसको मैं वापस से हटा देता हूँ, तो ये हमने समझ लिया हमारे बेसिक कंसेप्ट। तो अब जब हम कोई एक प्रोग्राम बना लेते हैं, चलिए जिससे कि हमारे समझ में भी आ जाए। और हाँ, अगर आपको कोई मेथड यूज़ करना है बिना मेन मेथड के, वो भी हम एक बार फिर से सिखाएंगे आपको कि किस तरह आपको उसको याद करना है या फिर किस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। तो चलिए एक प्रोग्राम कर लेते हैं हम सेल्सियस में बदलने वाला प्रोग्राम, कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलिए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है ही, तो चलिए बना लेते हैं। तो हम इसको कन्वर्टर क्लास नाम दे देते हैं, कन्वर्टर, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए बैक स्पेस, क्लास का नाम क्या है, कन्वर्टर, ठीक है। आप क्या कर रहा हूँ, आपके जो है टू सेल्सियस, यानी कि मैं सेल्सियस में बदलने वाला एक मेथड बनाऊंगा और एक फ़ारेनहाइट में बदलने वाला। तो मैं सबसे पहले एक जो है सेल्सियस में बदलने वाला वो लेऊंगा, मेथड बनाऊंगा। तो इस बार मैं इसका डेटा टाइप इंट नहीं लेने का, क्यों इंट नहीं लेने का है, क्योंकि जो हमारी पॉइंट में होती है ना, पॉइंट में होती है ना वैल्यूज हमारे सेल्सियस की फ़ारेनहाइट की। तो इसलिए मैं इसका इस बार डबल ले लेता हूं और मेथड का नाम दे देता हूं टू सेल्सियस। अब जब इसके अंदर मैं यहां पर डबल की ही वैल्यू लेगा, और सपोज कर लेते हैं फेयर नाम से मैं मुझको सेल्सियस में बदलने है, तो मैं एक फ़ारेनहाइट वैल्यू लूंगा। तो इसके अंदर डुसेड़ने के लिए, अंदर डालने के लिए जो है मैंने फ़ारेनहाइट वैल्यू उससे ली। अब जहाँ मेरे पास एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस में बदलने के लिए, सपोज करिए मैं सेल नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, तो क्या होगा कि जो आपकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू होगी उसमें से आप 32 को माइनस करिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की 5.0 डिवाइडेड बाई 9.0, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई करिए और 9 से डिवाइड करिए आप इसमें से। अब जब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 0.0 क्यों लगाया, अगर मैं यहाँ से 0.0 हटा देता हूँ तो ये क्या होगा, 5/9, ये आपको एक इंटीजर की वैल्यू देगा। 5/9 जीरो पॉइंट कुछ आएगा और वो इंटीजर में बदलेगा, यानी कि आपकी वैल्यू 0 आने वाली है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5.0/9 तो क्या होगा, वे समझेगा कि भाई ये डबल की वैल्यू है, ये इंटीजर की है। तो डबल और इंटीजर में बड़ा कौन है, डबल है, तो इसीलिए वो आपका आंसर 0 कुछ आने वाला है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप डिवाइड कर रहे हो या आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आप 0 लगा दीजिए उनके बाद में, ठीक है। या फिर 9f भी लगा सकते हो, जैसे कि 5f लिख दिया आपने, क्योंकि वो फ्लोट की वैल्यू बना देगा और फिर से 0 में आएगा, ठीक है। तो या तो आपके पास दो तरीके हैं, इन दो में से जो डिवाइड कर रहे हैं उन दो में से किसी एक पर, जरूरी नहीं है कि दो पर लगाए, किसी एक पर उनमें से किसी में भी या तो 0.0 लगाइए या फिर f लगा दीजिए, ठीक है। 9.0 यानी कि हम डबल की वैल्यू बता रहे हैं, f लगाएंगे तो फ्लोट की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। अब जब मुझको मैं चाहता हूँ कि ये रिटर्न करे वैल्यू, क्या सेल है ना, रिटर्न सेल, तो ये हमारा फंक्शन हो गया टू सेल्सियस। तो एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं पब्लिक डबल, और ये फंक्शन है टू फेयर एंड हाइट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस बार लूँगा डबल सेल। मैंने आपको बताया कि उस वेरिएबल का स्कोप, जो ये सेल है, इस वेरिएबल का स्कोप इन ब्रैकेट्स के अंदर होगा, यानी कि ये जो सेल है सिर्फ हम इनके अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम इस सेल की वैल्यू को इन ब्रेसिस से बाहर यूज़ करने की कोशिश करें तो आप नहीं यूज़ कर सकते, आपके पास एरर आने वाला है। इसको भी हम इसी अगले प्रोग्राम में समझ लेंगे या फिर एक अलग से प्रोग्राम बना के मैं समझा दूंगा। तो फिलहाल आप यानी कि इसी सेम नाम से भी एक वेरिएबल बना सकते हो, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि जो CEL नाम का एक वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर है, इससे बाहर कोई सेल का वेरिएबल नहीं है। तो हम एक नया वेरिएबल बना सकते हैं सेल, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ और एक फिर से डबल फ़ारेनहाइट ले लेता हूँ वेरिएबल, और जो है उसमें बदलने की
फॉर्मूला क्या है कि जो आपका सेल में जो सेल्सियस में आपका जो टेम्परेचर है आप उसकी मल्टीप्लाई करिए 1.8 से, किससे 1.8 से मल्टीप्लाई करिए और प्लस कर दीजिए 32, कितना 32। अब जो आपको पता लग चुका होगा कि मैंने यहाँ पर इसके बाद जीरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट में, हमने यहाँ पर पॉइंट जीरो क्यों लगाया, इसको पॉइंट में बदलने के लिए, ये डिपिक्ट करने के लिए कि हमको पॉइंट की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट में है। तो अब जो ये क्या रिटर्न करेगा सेल की वैल्यू, ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना मेन मेथड के इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। क्लास कंपाइल हो चुकी है, कोई एरर नहीं आया है, तो अब जो आपको मेन मेथड की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेथड यूज़ करना है, तो कैसे करोगे? तो कन्वर्टर पर राइट क्लिक करोगे और न्यू कन्वर्टर पर दबाओगे, ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया था, फिर ओके दबाओगे। न्यू के आगे क्लास का नाम होगा, यानी कि वो कंस्ट्रक्टर होता है, क्योंकि उसके आगे ब्रैकेट्स भी लगे हैं। आप सोचोगे कि ये मेथड है, लेकिन एक टाइप का ही मेथड होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, आगे बात करेंगे हम उसके बारे में, फिलहाल आप इसके बारे में मत सोचिए, अभी आप समझ लीजिए कैसे करना है। तो इस पर राइट क्लिक करोगे और फिर जोन सा भी मेथड आपको यूज़ करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपसे वैल्यू मांगेगा, किसकी वैल्यू मांग रहा है, फ़ारेनहाइट की, जैसे कि मैं 212 दे देता हूँ यहाँ पर और फिर कन्वर्ट कराता हूँ, तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस आपको दे रहा है वैल्यू। मैं अब इस बार दूसरा मेथड यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं 100 ही यूज ले लेता हूँ डिग्री सेल्सियस में, तो देखिए फिर से देखते हैं, 2 फ़ारेनहाइट सेल्सियस की वैल्यू दे रहे हैं, हमने 100 सेल्सियस दी तो 100.0 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार फिर से हम अपने प्रोग्राम को देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 100 में तो 212 होने चाहिए, है ना। तो डबल सेल डबल फ़ारेनहाइट हमने, सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल सेल कर दिया है, इसीलिए मुझको यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू यूज़ करनी होगी, इसीलिए यहाँ पर वे एरर आ रहा था। तो फिर से कंपाइल करते हैं और फिर से न्यू पर दबाते हैं, ओके करते हैं, फिर से फ़ारेनहाइट पर दबाते हैं और इस बार 100 डालते हैं, तो देखिए इस बार 212 आपका आंसर आ चुका है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, लेकिन इनको कम करने की कोशिश करना, मुझसे भी हो गई कोई बात नहीं। तो मैं आपको अब जो उसको बता देता हूँ, एक कुछ भी नाम से क्लास बना लेता हूँ, METH, ठीक है, और वो बता देता हूँ स्कोप के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए दबाया, एक क्लास है मेरी METH के नाम से, फिर है एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक एड वॉइड एड, जिससे कि मैं इसको मेन मेथड में यूज़ कर सकूँ, इसलिए मैंने इसको स्टैटिक यूज़ किया है, और int a कोमा int b, ठीक है। अब जब मैं int sum इक्वल टू a प्लस b रिटर्न सम, अब जब मैंने आपको बताया है कि जो ये सम है या फिर इसके अंदर जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए क्या करिए हैं, डिक्लेयर करे हैं, और ये भी इनका भी स्कोप यहीं तक ही रहने वाला है इस मेथड के अंदर, तो इस सम की वैल्यू को मैं यूज़ यहाँ तक कर सकता हूँ इन ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो अब जब हम करके देखते हैं ऐसे कैसे हो रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और सपोज करिए मैं चाह रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मुझे चाहिए वही सम की वैल्यू, है ना, सम की वैल्यू ही तो चाहिए मुझको। तो देखते हैं अब जो एरर आएगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, अब जो ये देखिए वेरिएबल सम कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल सम, यानी कि हम सिंबल यानी कि वेरिएबल सम को हम नहीं पा पाए कि वो कहाँ पर है, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पर है, तो कंपाइलर को यहाँ पर पता है कि हाँ भाई उसकी मेमोरी में सम नाम का वेरिएबल यहाँ पर इस मेन मेथड के अंदर कोई नहीं है। और अब जब आपको एक और छोटी मिस्टेक पहचानना आ गई होगी, मैंने जानबूझकर यहाँ पर एक मिस्टेक करी है, जल्दी से पहचानिए, वो है वॉइड की, क्योंकि मुझको इंट की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर अब जा आपका ठीक होने वाला है। और इसीलिए आपको समझ भी आ गया होगा कि हमने सीधा वेरिएबल यहाँ से उठाकर यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं दे दी, हमने क्यों मेथड को कॉल किया, है ना। ऐड मेथड दे देता हूँ मैं यहाँ पर 52, बस ठीक है, कंट्रोल प्लस के, क्लास कंपाइल हो चुकी है।
और अब जो यहाँ पर एक और बात सिखा देता हूँ मैं आपको, अगर मैंने यहाँ पर फ्लोट दे दिया तो क्या होगा, कोई एरर नहीं। अगर मैं यहाँ पर चलिए कैर दे देता हूँ तो इस बार एरर आई है, क्योंकि फ्लोट को आप इंट में बदल सकते हो। अगर आपने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन पढ़ा है तो आपके समझ में आ चुका होगा कि फ्लोट इंट से छोटा होता है। लेकिन अब जब कैर को आप इंटीजर में कैसे बदलोगे, नहीं बदल सकते। इसीलिए मैंने कहा था कि जो ये सम है इसका रिटर्न के आगे जो भी लिखा है उस वेरिएबल का रिटर्न डेटा टाइप और इस यहाँ पर जो मेथड का डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। इसीलिए इंट होना चाहिए तो सेम हो या उससे छोटा हो और वो कन्वर्टेबल भी हो। ऐसा नहीं कि आप 514 को आप कैरेक्टर में तो नहीं बदल सकते, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पर, फिर से देखते हैं, इनकम्पेटेबल टाइप कैन नॉट बी कन्वर्ट टू जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, फिर से एरर आ रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पर इंट या फ्लोट का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आ चुका होगा। अब जब अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पासिंग वैल्यूज टू मेथड, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। ये अगर आप सोच रहे हो कि मैंने एरर जानबूझकर किए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके और आप डिटेक्टिव की तरह काम कर सके, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एरर काफ़ी आते हैं और आपको इनको हैंडल करना भी आना चाहिए। और शुरुआत में मैंने जो बोर्ड पर समझाया उसमें थोड़ी मिस्टेक में करके चला, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं वहीं पर ही बता देता कि आपको यहाँ पर स्टैटिक लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है, तो आपके समझ में नहीं आता ये क्या लिख रहा है। इसीलिए टॉपिक वाइज हम लिख कर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।